يا الله أنت الواحد يا الله أنت الجميل يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري

इसलिए कि उन सब का बनाने वाला भी वही है और उनके अंदर जो भी फायदे हैं और जिस जिस काम में वो लगे हुए हैं उन सब की राह दिखाने वाला भी अल्लाह है हर एक पर उसी के बेपनाह एहसानात है वो अपनी जात में भी महमूद है तारीफ के लायक है अपने नामों और सिफात के एतबार से भी और अपने कामों के एतबार से भी उसका हर हर काम तारीफ है, आइए हम देखते हैं कि कुरान-सुन्नत इस सिलसिले में हमारी क्या रहनमाई करते हैं सबसे पहली बात यह कि सब तारीफ है ही अल्लाह के लिए क्यों इसलिए कि सब कुछ उसी ने बनाया और जब उसकी बनाई हुई किसी चीज की तारीफ की जाती है तो वो उसका क्रेडिट भी दरअसल अल्लाह सुबहाना ही को जाता है मसलन कोई फूल की तारीफ करता है या किसी पत्ते की तारीफ करता है या किसी दरख्त की तारीफ करता है या किसी परिंदे की तारीफ या किसी इंसान की तारीफ करता है तो सोचने की बात यह है कि इन सब चीजों को बनाने वाला कौन है तो असल तो बनाने वाले की तारीफ है जिसने इन सब चीजों को हुसन बख्शा या किसी भी चीज में जो फायदा रखा मसलन किसी को किसी बीमारी से शिपा होती तो उस शिफा को देने वाला भी वो है अगर किसी दवा की वजह से वो हुआ है तो उस दवा के अंदर भी शिफा अल्लाह ही ने रखी है इसलिए तारीफ अल्लाह ताला ही की है मा इन्नल्लाह गनी जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो ही का है बिला शबा अल्लाह बेनियाज और लायक के हम है तारीफ के काबिल है यानी असल हकदार वही है दूसरी जगह फरमाया युसबेहिमातीब लहुल मुल्क व लहमद वहू आला कुल्ल श आसमान और जमीन में जो भी मखलूक है वो सब अल्लाह की तस्वीर कर रही है उसी की बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तर तारीफ है और वो हर चीज पर कादिर है वह वशीन उसी के लिए सब तारीफ है आसमानों और जमीन में और पिछले पहर जब तुम जोर के वक्त में दाखिल होते हो यानी बदलते अवकात में बदलते मौसमों में बदलती रुतों में तब्दीलियों में भी तारीफ उसी की है और वो बेशुमार तारीफ का मुस्तहक है अब्दुल्ला बिन नबी ओफा से मरवी है النبي صلى الله عليه وسلم كها اللهم لك الحمد ملأ السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أي الله تاريه لي هر قسم इतनी कि जिससे आसमान भर जाए जमीन भर जाए इसके बाद हर वो चीज भर जाए जो तू चाहे अल्लाह मुझे पाक कर दे बर्फ और ठंडे पानी से जैसे गंदा कपड़ा मैल को चैल से पाक किया जाता है हकीकत तो यह है कि अल्लाह सुबहान तला की तारीफ तो जमीन और आसमान की हर चीज में है और वो बेपनाह तारीफ का मुस्तहक है और फिर दुनिया और आखरत उसमें भी उसी की तारीफ है जैसा कि फरमाया वहुँ ला और वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं उसी के लिए दुनिया और आखरत में सब तारीफ है और उसी के लिए हुक्म है और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे यानी जिसकी तरफ से आए हो जो तुम्हें खिला पिला रहा है सब इनाम दे रहा है सब नेमतों से नवाज रहा है तो और उसी की तरफ पलट कर जाना है तो तारीफ भी उसी की है और हकीकी तारीफ उसकी है दूसरी मखलूक़त की भी तारीफ जब की जाती है तो बाद को तो हकीकी होती है तो गैर हकीकी होती है। लेकिन अल्लाह सुबहाना की तारीफ हकीकत में असल तारीफ है क्योंकि उसने अपनी जात की जो तारीफ खुद की है वह सरासर सच्चाई पर मबनी है हकीकत पर मबनी है आशा कहती है कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह रसूल को बिस्तर पर ना पाया तो मैंने आपको तलाश किया और आप अपनी नमाज की जगह पर थे मेरा हाथ आपके पाँव के तलबे पे जा पड़ा इस हाल में क्या आपके पाँव गड़े हुए थे यानी आप सजद में थे आप फरमा रहे थे

लेकिन अल्लाह से डर कर अल्लाह ही की तरफ पलटना क्योंकि उसके सिवा फिर कोई और बचा भी नहीं सकता फिर तो अर्ज किया मैं तेरी तारीफ करने की ताकत नहीं रखता या अल्लाह तो इस कदर तारीफ के लायक है कि मैं इस काबिल नहीं कि तेरी तारीफ का हक अदा कर सकूं। तू वैसा ही है जैसा कि तूने खुद अपनी सना बयान की है खुद अपनी तारीफ बयान की है असल में तो अपनी तारीफ तो खुद ही कर सकता है और इसमें हकीकत भी है क्योंकि हमने अला सुबह को देखा नहीं हम उसका वो हक पहचानते ही नहीं जानते ही नहीं हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो फिर जब तक किसी की खूबियों को पूरी तरह जानते हैं ना उसकी तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता असल बात यह है कि किसी की तारीफ दो बुनियादों पर की जाती एक ये कि उसके अंदर बहुत ज्यादा खूबियां हों और दूसरे ये कि वो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो मसला ना आप किसी इंसान की तारीफ कब करते हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट की तारीफ कब करते हैं जब उसके अंदर कोई खूबी हो तो अल्लाह सुबहाना के अंदर सबसे ज्यादा खूबियां हैं लेकिन हकीकत ही कि हम उन खूबियों का उन सिफात का इहाता नहीं कर सकते कुछ तो उसने हमें बता दी है अपने अच्छे अच्छे नामों और सिफात में और कुछ ऐसी हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं तो हम उसकी तारीफ का हक कैसे अदा कर सकते हैं और दूसरा ये कि हर तरह के इनामात उसी की तरफ से नहीं हम किसी की भी तारीफ जब करते हैं तो हमें उस वक्त करते हैं जब वो हमें कोई फायदा पहुंचाता है तो हम कहते हैं कि फलांश बहुत जेनरस है बहुत सखी है बहुत अच्छा है बहुत काइंड हार्टेड है वगैरह वगैरह तो उस बिना पर हमारे दिल से फिर उस शख्स के लिए तारीफ निकलती अब अल्लाह जुबान की तारीफ जब हम इस बिना पर करते हैं कि हमें उसकी तरफ से कोई नमत मिली है तो अगरचे सारी उसी की तरफ से हैं, लेकिन बहुत सी नमतें ऐसी जिनको हम देखते हैं और बहुत सी ऐसी हैं जिनको हम देखते भी नहीं तो उन नमतों पर तो फिर भी हम जब हमें मिलती है तो हम शुक्र अदा कर ही लेते हैं किसी न किसी तरह जो हम महसूस करते हैं या हमारे नोटिस में आती है लेकिन कितनी ही बेशुमार ऐसी नमतें हैं कि जिनका हमें इल भी नहीं हमारे जिस्म के मुख्त सिस्टम्स कैसे काम करें हमें तो पता भी नहीं हम तो सो रहे होते हैं और हमारा दिल काम कर रहा होता है तो फिर हम उसकी तारीफ का हक कहाँ से अदा कर सकते हैं उसकी तारीफ का हक तो वो खुद ही अदा कर सकता है इसीलिए नबी सल फरमाते लाई का मैं तेरी तारीफ करने की ताकत नहीं रखता तो वैसा ही है जैसी तूने खुद अपनी शान बयान की है अपनी तारीफ फरमाई है हकीकत तो यह है कि असल में महमूद वही है क्योंकि पैदा करने वाला भी वही है और हर चीज को प्रोटेक्शन देने वाला भी वही है और सारी की सारी नेमतें उसी की तरफ से हैं पुरानी मजीद में, में आता है

लेकिन बहुत से लोग इन सारी नेम तो से फायदा उठाते हैं लेकिन उसका हक अदा नहीं करते उसकी तारीफ नहीं करते तारीफ किसकी करते हैं जो बीच में सबब बनता है या वास्ता बनता है या ऐसे ही जैसे कोई शख्स किसी गिलास में पानी पिए और फिर कहे ग्लास तेरा शुक्रिया तूने मुझे पानी पिलाया हालांकि पिलाने वाला हाथ पीछे कोई और था फिर यह है कि सारी उसी की तरफ से हैं। एक और जगह पर आया बल अकबर और अगर आप इनसे पूछें कि आसमान से पानी किसने बरसाया फिर इस पानी से मुर्दा पड़ी हुई जमीन को किसने जिंदा किया जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने इनसे कहिए फिर हर तरह की हम का सजावार भी वही अल्लाह है मगर अक्सर लोग कुछ समझते सोचते नहीं यानी वो असल बात तक पहुंचते ही नहीं हकीकत तक पहुंचते ही नहीं कि तारीफ होनी किसकी चाहिए वो बीच में ही अटक जाते हैं और फिर इस बात पर भी अल्लाह की तारीफ है कि उसका कोई शरीक नहीं वो अपनी जत में अकेला है वाहिद अहद असमद और सारे अच्छे अच्छे नाम उसी के हैं फरमाया वुल्हमद कह दीजिए सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने कोई बेटा नहीं बनाया क्योंकि बेटा इंसान की कमजोरी होती है तो अल्लाह ताला की कोई वीकनेस नहीं है वो लमियतुल्लाहु शरीक उनफिल मुल्क और उसकी बादशाहत में भी कोई उसका शरीक नहीं उसकी बादशाहत को जवाल ही नहीं वो हमेशा के लिए है और मजबूत तरीन है वलम वमहू वली और किसी कमजोरी की वजह से कोई उसका दोस्त नहीं कोई मददगार नहीं वो कब तक और उसी की बड़ाई बयान करो खूब बड़ाई बयान करना तो यही वजह है कि अल्लाह सुबहान ने अपनी जात के साथ किसी चीज को ना शरीक किया है और ना ही हमें हक है कि उस जैसी तारीफ किसी और की करें और फिर अल्लाह सुबह फरमाते हैं वो जिंदा है जिसके सिवा कोई नहीं क्योंकि बाकी जिसको भी लोग इलाह बनाते हैं उसको फानी है तो जो खुद मरने वाला हो जो खुद खत्म होने वाला हो वो मबूद कैसे हो सकता है वो इबादत के काबिल कहां से हो सकता है मुखल अल्लाहद्दीन बस उसी से मांगो दुआ करो उसी को पुकारो दीन को उसके लिए खालिश करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन सब तारीफ अल्लाह आलमीन के लिए है यानी जिसको कोई मौत नहीं और जिसको कोई फना नहीं फिर अल्लाह तआला की तारीफ इसलिए भी कि उसी ने अंधेरा और रोशनी बनाई ये दो भी बहुत बड़ी नेमतें हैं

और अंधेरे और रोशनी बनाई फिर भी जो लोग कुफर करते हैं वो दूसरों को परवर दिगार का हमसर बनाते यानी वो देखते हैं कि किस तरह सूरज निकलता है तो रोशन हो जाती है सब चीजें और गुरूब होता है तो हर चीज पर अंधेरा छा जाता है और इसका कंट्रोल अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में नहीं लेकिन इसके बावजूद ये जानते देखते हुए भी वो औरों को माबूद बना लेते हैं उनके आगे झुकते हैं उनसे फरियादे करते हैं हाजात में उनके पास जाते हैं और इससे बड़ी खरमकली क्या होगी कि इंसान जो असल ताकत का मालिक है उसको छोड़कर उनके पास चले जाए जो अपनी जिंदगी और अपने रिस्क के भी मालिक नहीं है कहा कि वो दूसरों की किसी नफे नुकसान के मालिक हो फिर इसी तरह अल्लाह सुबहान तला की तारीफ इसलिए कि उसने हिदायत के असबाब मुहैया किए हैं अपनी किताब हम पर नाजिल की फरमायादी अला अब किताबा किताब। सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की यानी कुरान मजीद और इसमें कोई कर्जी नहीं रखी साफ सुथरी वाज हिदायत देने वाली है और फिर अल्लाह सुबहान तला की तारीफ इसलिए कि वही खिलता और पिलाता है और वही सारी नेमतें नता करता है अब अब अंसारी कहते हैं कि वसल्लम जब खाते पीते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी व व असका जा हर तारीफ अल्लाह के लिए उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और इसे इस खाने को खुशगवार बनाया और उसके निकलने की राह बनाई यानी इंसान के जिस्म से वेस्ट बाहर निकाला इस पर भी अल्लाह की तारीफ फिर तमाम कायनात अल्लाह सुबहान तला की हमदना कर रही है कायना का जर्रा जर्रा फरमाया तो सब सबावा तब न सातों आसमान और जमीने और जो कुछ उनमें है सब उसकी तस्वीर करते हैं उसकी पाकि बयान करते हैं उसकी हमदुसना करते हैं बल्कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हम के साथ उसकी तस्वीर न करे यानी साथ नक्श से पाक बयान करते और साथ उसकी तारीफ करते हैं यानी उसकी खूबियों को गिनते हैं लेकिन तुम उनकी तस्वीर को नहीं समझते वो बड़ा बुरदबा और माफ करने वाला है फरिश्ते भी उसकी हम दो शनाक करते हैं वलबलामद रबे कुरान मजीद में आता है कि फरिश्ते अपने परवरदेगार की हम के साथ उसकी तस्वीर बयान करते हैं और इसलिए भी कि वो अपने रब की सिफात को समझते हैं उसकी कुबतों और कुदरतों को जानते हैं और देखते हैं और मुशाह करते हैं नजर तो इंसानों को भी बहुत कुछ आता है लेकिन इंसान फिर फिर जाते हैं सब कुछ देखते और समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं फिर हामिली ने भी की सना करते हैं। भी जो हुए हैं। और जो उसके इर्द गिर्द इर्द गिर्द सब अपने परवरदगार की तारीफ या हम के साथ उसकी तस्वीर करते हैं यानी वो मुसलसल अल्लाह तला की तारीफ में लगे हुए हैं और कर कर के थकते नहीं कभी फिर के दिन भी ऐसा ही होगा नीज उस दिन आप देखेंगे कि फरिश्ते अर्श के गिर हल्का बांधे हुए हैं यानी चारों तरफ से सर्कल में है अपने परवरदिगार की हम उसकी तस्वीर के साथ कर रहे हैं यानी ये सारी मखलूक अपने रब को पहचानती है और उसका हक हाँ पहचानती है और हक हाँ अदा करने में लगी हुई है लेकिन इंसान बार बार भूल जाता है फिर इसी तरह हम देखते हैं कि आदम सलाम ने पहले कलमात जो अदा किए वो भी अल्लाह की तारीफ के थे हजरत कहते हैं कि जब अल्लाह तदम्स में रूह फों की और रूह जब उनके सर तक पहुंची तो उन्होंने छींक मारी और कहा अलहमद लाबीन तो अल्लाह तबारक ने से फरमाया अल्लाह तुझ पर रहम करे गोया जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहता है वो अल्लाह की रहमत का मुस्तक हो जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन तो दिन रातों को उठकर भी अल्लाह ताला की हम बयान करते थे और उसकी तस्वीर करते थे रबी अब इनकाब कहते हैं कि मैं रसुल्ला वसलम के दरवाजे के करीब सोता था और आपके लिए वजू का पानी दिया करता था रात के पिछले हिस्से में सुनता था कि आप समय अल्लाहुल और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहे हैं यानी अल्लाह सुब्हानहु तआला की حمد और सना बयान कर रहे हैं फिर ईमान वाले भी अल्लाह ताला की حمد और सना बयान करते हैं फरमाया इन्नमा युमिनु बिआयात इन्नल्लजीना इदा जिक्रू बिहा खरु सुजदा व सबहु हमारी आयात पर तो वही लोग ईमान रखते हैं कि जब उन्हें आयात से नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने परवरदिगार की हम के साथ तस्वीर बयान करते हैं और तकबुर नहीं करते ये है अल्लाह के बंदे जिनके अंदर आजजी होती है और वो खुद अपनी तारीफें नहीं करते बल्कि अल्लाह सुबहान तला की हर मौके पर तारीफ करते हैं मोमिन तो दुनिया से जाते हुए भी तकलीफ की हालत में भी अल्लाह ताला की तारीफ कर रहा होता है इब्न अब्बास कहते हैं रसूल वसल्लम ने फरमाया यकीनन मोमिन के हर हाल में खैर है उसकी जान उसके दोनों पहलुओं से निकल रही होती है यानी मौत के करीब होता है इस हाल में कि वो अल्लाह ताला की तारीफ कर रहा होता है लेकिन मौत की सख्ती में अल्लाह सुबहान तला की तारीफ कौन कर सकता है वही जो जिंदगी की सख्तियों में अल्लाह ताला से राजी रहे और अल्लाह ताला की त हमदना बयान करता रहे मोमिन तकलीफ के वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है क्योंकि उसे ये यकीन होता है कि मेरे रब का हर फैसला मेरे बारे में खैर और भलाई का फैसला है फिर क्यामत के दिन अल्लाह तबी सल वसम को अपनी हम के ऐसे अल्फाज सिखाएंगे जो दुनिया में किसी को नहीं सिखाए क़यामत का दिन जब कायम होगा और लोग बहुत परेशान होंगे और अम्बिया के पास जाएंगे कि वो अल्लाह तला से शफात करें ताकि क़यामत कायम की जाए हिसाब किताब शुरू किया जाए तो फिर जब नबी अलैहि वसम के पास फलोग पहुंचेंगे तो उस वक्त अल्लाह ने चूँकि उनके अगले पिछले सारे गुना माँ फरमा दिए तो वो अल्लाह तारगाह में हाजिर होने की इजाजत चाहेंगे अल्लाह तब इज़्ज देंगे तो आप सजदे में गिर पड़ेंगे और जब तक अल्लाह ताला का हुक्म होगा आप सजदे में रहेंगे और फिर हुक्म होगा कि ऐ मोहम्मद सर उठाओ मांगो दिए जाओगे कहो सुना जाएगा सफारिश करो तुम्हारी सफारिश कबूल की जाएगी कहते हैं कि मैं अपना सर उठाऊंगा और अल्लाह की वो हम बयान करूंगा जो मुझे उसकी तरफ से सिखाई जाएगी यानी खास उस मौके के लिए वो हम दी जाएगी और बंदा मोमिन इस बात पर यकीन रखता है कि दुनिया और आखरत दोनों में ही के लिए हमद है जन्नत में दाखिले पर अहले ईमान अल्लाह सुबहान तला की हमद फरमाएंगे और कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें ये राह दिखाई अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो उस वक्त भी अल्लाह सुबहाना की तारीफ करेंगे الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه التي اورثتموها ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون उन अहल जन्नत के दिलों में अगर एक दूसरे के खिलाफ कुछ कदूरत होगी तो हम उसे निकाल देंगे यानी किसी किस्म की कोई बैड फीलिंग बाकी नहीं रहेगी उनके नीचे नहरें जारी होंगी और वो कहेंगे तारीफ तो अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये जन्नत की राह दिखाई अगर अल्लाह हमें ये राह ना दिखाता तो हम कभी राह ना पा सकते थे वो ये नहीं कहेंगे कि हम देखो कितने अच्छे हैं कि हम नेक काम करके जन्नत के मुस्तक बन गए और हम यहाँ पर नहीं ये अल्लाह ही ने राह दिखाई और चलने की इस राह पर अल्लाह ने तोफी दी और आज हम यहाँ अल्लाह ही के फजल से मौजूद हैं हमारे परवरदिगार के रसूल वाकई हक लेकर आए थे उस वक्त निदा आएगी तुम इस जन्नत के वारिस बनाए गए हो और ये तो नेक आमाल का बदला है जो तुम दुनिया में किया करते थे यानी अल्लाह ताला भी बंदों के नेक अमाल की कदरदानी फरमाएंगे और फिर बंदे खास तौर पर अपने रन जम के दूर होने पर अल्लाह की हम फरमाएंगे जन्नत में जाके कहेंगे सब तारीफ अल्लाह की है उस अल्लाह की जिसने हमसे गम दूर कर दिया हकीकत यह कि बंदा जब तक अल्लाह की रजाना हासिल कर ले उसका गम दूर नहीं हो सकता क्योंकि मोमिन बंदे की सबसे बड़ी फिक्र और परेशानी यही है कि मालूम नहीं मेरा अंजाम कैसा होता है और मेरा रब जिसने मुझे बेशुमार नेमतें दी हैं वो भी मुझसे खुश है या नहीं और जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला राजी है तो उस पर वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे सारे तफक् दूर कर दिए बेशक हमारा रब यकीन बेहद बख्शने वाला नहायत कदरदान है और जन्नत में पहुंचकर उनकी आखिरी बात भी यही होगी दावा हुम फीहा सुबह नकल्लाहुम्मा हम फीहा सलाम व आखिर दावा हम अनिलहमदुल्लाबीन वहां उनकी पुकार ये होगी ऐ अल्लाह तू पाक है और उनकी आपस में दुआ होगी कि तुम पर सलामती हो और उनका खात्मे का कलाम ये होगा यानी आखिरी बात ये होगी सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सब जहानों का परवरदिकार है यानी वो सरासर अल्लाह सुबह की तारीफ से लबरेज होंगे यानी उनके दिल भरे हुए होंगे और हक़ीक़ी मानों में वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे लेकिन याद रखिए ये सब इंसान को इस दुनिया से शुरू करना है कि इंसान अल्लाह ताला की छोटी से छोटी नेमतों की कदर करना शुरू करे और बड़ी बड़ी नेमतों पर भी उसका शुक्र अदा करे इसीलिए हम का लफ्ज़ है वो तारीफ और शुक्र दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लाह सुबहान तहल जन्नत के लिए तो जन्नत में उनकी सांसों के साथ तस्वीर जारी कर देंगे यानी उन्हें बगैर किसी मुश्किल के मशक्क़त के मुसलसल अल्लाह तला की तस्वीर करने का मौका मिलेगा क्योंकि उनकी सबसे पसंदीदा चीज दुनिया में भी यही थी नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों को तस्बीह और तहमीद यानि अल्लाह की हमदो सना करना इस तरह सिखा दी जाएगी जैसे तुम्हें तो सांस लेना सिखाया गया अब सांस लेने में किसको मुश्किल होती है इंसान सो भी रहा होता है तो सांस आ रहा होता है तो इसी तरह जन्नती जो कुछ भी कर रहे होंगे मुसलसल अल्लाह की तस्वीर में होंगे क्योंकि तो यही उनके दिलों की राहत का सामान है तो इससे पता ही चलता है कि जब इंसान अल्लाह ताला की नेमतों को देखने वाला बन जाए उनका कदरदार और उनकी तारीफ करने वाला तो उसकी जिंदगी में दिल जबान और आज़ा हर एक के साथ अल्लाह ताली की हम दो सना होनी चाहिए यानी इंसान अपने दिल में भी अल्लाह को याद करे और उसका शिक्र गुजार रहे उसकी जबान भी अल्लाह का जिक्र करती रहे अल्लाह की तारीफ बयान करती रहे और उसके साथ साथ वो ऐसे अमाल करे कि जिससे वो ये जाहिर करे कि वो अल्लाह का शिक्र गुजार बनता है और ये करना इसलिए भी जरूरी है कि यह अल्लाह का हुक्म है अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था का रब्बिका हो क्या आप अपने परवरदिगार की हम के साथ उसकी तस्बीह उससे बख्शिश तलब कीजिए इन वो तोबा कबूल करने वाला है बड़ा ही मेहरबान फिर तो इसी तरह अल्लाह सुबह सबसे ज्यादा हम को पसंद करता है असद बिन सर बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया यार शेर में अल्लाह की मद की है एक किस्म की हम लिखी है तो फरमाया तुम्हारा रब हम को पसंद करता है यानी अगर कोई शख्स अपनी ज़बान से अल्लाह ताला की तारीफ करे या शेर शायरी के जरिए तारीफ करे तो ये भी अल्लाह ताला को पसंद है और कसरत से हम करने वाले क्यामत के दिन अल्लाह के बेहतरीन बंदे होंगे अल्लाह के पसंदीदा तरीन बंदे होंगे जो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तारीफ करते हैं और फिर सबसे अफसर शुक्र भी अलहमद ला है रसूल सल्लासम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अफसल शुक्र है और जब इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो जमीन आसमान भर जाता है तमीजान मीज़ान मीज़ान भर जाता है फिर हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए रसुल्लासम ने फरमायाल्ला किसी बंदा पर नमत फरमाए और वह नमत पर अल्हमदल्ला कहे तो उस बंदे ने जो दिया वो बेहतर है उससे जो उसने लिया यानी उस नेमत से कई गुना ज्यादा बड़ा उसको एजाज हासिल हो गया जो उसने अल्हम्दुलिल्लाह ला कहकर उसका शिक्र अदा किया और फिर जरूरी नहीं कि हर वक्त हमें कुछ मिले तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें उस वक्त अगर हमें बाहिर कुछ नहीं मिल रहा तो भी हम अल्लाह ताला की तारीफ करते रहे क्योंकि ऐसी बेशुमार नमतें हैं जो हमें बताए बगैर हमें दी जा रही हैं हर पल दी जा रही हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बगैर किसी वजह के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का कहा तो उसके लिए तीस नेकियां लिखी जाती हैं और तीस बुराइयां मिटा दी जाती हैं यानी उसके अजर व सवाब में इजाफा किया जाता है गुनाह मिटते हैं गुनाह झड़ते हैं अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के पास से गुजरे जिसके पत्ते सूख चुके थे आपने उस पर लाठी मारी तो पत्ते झड़ने लगे आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर से इसी तरह गुनाह झड़ते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़े हैं फिर इसी तरह जन्नत में दरख्त लगते हैं सुभान सुबहानल्लाजीम है बब हम भी कहने से खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है फिर इसी तरह सुबह शाम कसरत से हम करनी चाहिए तो ये इंसान के दर्जात बुलंद करता चला जाता है अबारा कहते हैं रसुल्लातबा है, पढ़े, पढ़े तो उसके बराबर मखलूक में से किसी का दर्जा नहीं हो सकता यानी वो अल्लाह तला के नजदीक बहुत बुलंद मकाम पर आ जाता है एक सौ दफा ये तस्वीर पढ़ने में आखिर कितनी देर लगती है कुछ भी नहीं अगर इंसान इसको अपना मामूल बना ले आदत बना ले तो भी और भी आसान हो जाता है लेकिन इसका रिवॉर्ड सामने हो तो इंसान बहुत से और लफ काम छोड़कर इसका एहतमाम जरूर करे फिर इसी तरह इंसान अपने सारे दिन में खास तौर पर भी मुख्तलिफ काम करते हुए अल्लाह ताला की तारीफ करता रहे जिसमें सुबह सवेरे आफियत के साथ जागने पर दुआ करे अलहदिल्लाफानी जसदी तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जिसने मेरे बदन को आफियत दी मेरी रूह मेरी तरफ लौटा दी और मुझे अपने जिक्र की तोफ़ीक दी यानी उठते ही आंख खोलते ही इंसान अल्लाह ताला की इन अल्फाज में तारीफ करे फिर तो जब नमाज की इब्तदा करे तो उस वक्त भी अलहमद रबीन या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में जो अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत तारीफ बयान करते थे वो दुआ पढ़ी जिसमे आता है फिर तो इसी तरह नमाज के बाद भी तैतीस बार सुबह तैतीस बारदुल्ल चौतीस बार अल्लाह अकबर पढ़े फिर सुबह शाम भी अल्लाह ताला की तस्बी करे वह रबिका कर बिलाशी व लिबकार में आता है और सुबह शाम अपने परवरदिगार की हम के साथ उसकी तस्बी कीजिए फिर तो इसी तरह जब कोई सताए और परेशान करे इंसान के अंदर कुछ गम हो तो उस वक्त में कसरत के साथ अल्लाह ताला की तारीफ बयान करे ये डिप्रेशन से निकलने का बेहतरीन नुस्खा है कुरान मजिद में, में अल्लाह ताला, ताला फरमाते तरमाते फसबिर अलाकुलमद रब और सूरजलु होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले यानी फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज के निकलने से पहले का वक्त और असर की नमाज के बाद से लेकर गुरूब होने से पहले तक का वक्त ये खास औकात है तस्वीर के के इस वक्त अपने रब की हम के साथ तस्वीर किया करो और रात के कुछ औकात में भी करो और दिन के किनारों में ताकि तू खुश हो जाए यानी जो लोग इन औकात में तस्वीर का एहतमाम करेंगे वो अल्लाह से राजी रहेंगे उनके दिलों के अंदर एक इतमान होगा फिर रात के क्याम में अल्लाह तला की हमदोसना फिर जबान से हर लुकमे और घोट पर था। ये एक तो अलहमद ना खाना खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं और, और फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे से राजी हो जाता है जो एक लुकमा भी खाए तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे जो मशरूब का एक घोट भी पिए तो उस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे वाजब का तो हम ज्यादा पी लेते हैं फिर तो हमारे अंदर एक ठंडक सी पड़ती है और हम फिर भी हमें याद आ जाता है लेकिन सम टाइम हम ऐसे ही कोई चीज निबल कर लेते हैं कोई चीज खा लेते हैं कोई पानी पी लेते हैं और ना बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना नहमद लेकिन अल्लाह ताला को वो लोग महबूब हैं जो हर लुकमे पर अल्लाह को याद करें फिर इसी तरह खाना खाने के बाद भी अल्लाह ताला का शुक्रिया यानी सारा खाना मुकम्मल करने के बाद और फिर खुशी और ना खुशी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई पसंदीदा चीज देखते तो फरमाते تتم الصالحات सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसकी नेमत की वजह से जिसके फजल और इनाम से नेक काम अंजाम पाते हैं और जब कोई चीज नापसंदीदा देखते तो फरमाते आला कुल हाल अल्लाह का शुक्र है हर हाल में यानी वो शिकवा नहीं करते फिर तो इसी तरह अगर कोई आपका हाल दरियाफ्त करे कि कैसे हैं आप तो उस वक्त भी इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहे नबी वसल्लम ने एक आदमी से कहा ए फुलां कैसे हो उसने कहाता हूँ वसल्लम ने तुझसे यही, यही जवाब मैं फिर इसी तरह इंसान को जिंदगी में कोई खास नेमतें मिले तो उन मौाक़े पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए जैसे तंदुरुस्त औलाद मिलने पर जैसे इब्राहिम ने फरमाया उसके बुढ़ापे में मुझे जैसी औलाद बिला शबा मेरा परवर दिगार सुनता है आशर के घराने में जब कोई बच्चा पैदा होता तो ये नहीं पूछती थी कि लड़का हुआ या लड़की वो पूछती कि क्या तंदुरुस्त बच्चा हुआ जब कहा जाता था कि हाँ तो कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती फिर इसी तरह इंसान जब बाजार में जाए तो उस वक्त भी अल्लाह ताला की त हमदुलसना बयान करे फिर यह कि इंसान बाजार में दाखिल होते वक्त भी अल्लाह ताला की तारीफ करे

और दस लाख गुना फरमाता है और उसके लिए जन्नत में घर तामीर करता है क्योंकि बाजार में जाकर इंसान के सामने दुनिया फैली हुई होती है और इंसान उसमें गाफिल होने लगता है तो उस वक्त भी जो अपने रब को याद करता है और उसकी तारीफ करता है उसके लिए बेपनाह नेकी लिखी जाती है फिर तो इसी तरह अगर आपको किसी खास मौके पर कोई दूसरों के मुकाबले में फजीलत मिली है तो उस पर भी अल्लाह की तारीफ बयान करें जैसे हजरत दाऊद और सलमान ने अल्लाह ताला की तारीफ की दाऊद और सलमान को इम दोनों कहने लगे हर तरह की तारीफ अल्लाह तआला के लिए है जिसने हमें बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अतः की फिर इसी तरह छींक आने के वक्त भी इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहे और जो सुन रहा हो याहम्ला कहे किसी मुसीबत ज्यादा शख्स को देख कर भी इंसान यही कहे अल्हमदी आफानी अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने मुझे इस मुसीबत से निजात दी जिसमें तुझे मुब्तला किया और मुझे अपनी अक्सर मखलूक पर फजीलत अता की तो वो शख्स इस मुसीबत से महफूज रहेगा जिसमें वो दूसरे को देख रहा है तर हर काम के इस्तेतम पर आखिर आखर दावाना ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना फिर बिस्तर पर लेटते वक्त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लजी अतअमाना व सकाना व कफाना व आवाना कम कमिल्ला काफीला वला मुवी शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें खिलाया और पिलाया हमारी किफायत की और हमें ठिकाना दिया बहुत से ऐसे हैं जिनका कोई किफात करने वाला नहीं और उनका कोई ठिकाना नहीं फिर इसी तरह इबादत और जिक्र की मिलने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरों को भी अल्लाह की हमदोसना की तरह देनी चाहिए और हमें अपनी नमाजों में भी खूब खूब अल्लाह ताला की हमदुस्ना बयान करनी चाहिए अल्लाह ताला की तफत का इजहार दरूशरीफ के आखिर में भी होता है इन नमीद मजीद गोया इस तरह हम हर दरूशरीफ के पर और नमाज के अंदर भी अल्लाह ताला की हमद और सना बयान कर रहे होते हैं और फिर जब सफर पर हो इंसान तो उस सुब्ह तो की नमाज के बाद भी अल्लाह ताला की खास तारीफ करें समी असामु बिहम्दिल्लाहि व निअमतिही व हुस्न वल्लाही अलैना اللهم صاحبنا وافضل علينا اعذنا بالله من النار फिर तो सितर रुकू के बाद अल्लाह ताला की हमद बयान की जाए समी अल्लाहु हमिदा रब्बाना व

أنت الوكيل يا الله أنت القيوم يا الله أنت المتين يا الله أنت الصبوح يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى کے الجميل پر بات الجميل جمال والا खूबसूरती वाला नहाय हसीन और खूबसूरत हकीकत यह है कि जिस रब ने ये कायनात इतनी खूबसूरत बनाई वो खुद कितना खूबसूरत होगा उसके नाम भी खूबसूरत है, उसकी सिफात खूबसूरत और फिर उसके सारे काम खूबसूरत तो आइए देखते हैं कि कुरान सनत की रोशनी में इस नाम का क्या माना बनता है और उसकी खूबसूरती कैसे कैसे हमारे सामने आती है और फिर हमें इसके मुताबिक क्या करने की जरूरत है सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह सुबहान जात में नहाय खूबसूरत है हमने उसको देखा नहीं और कोई आंख उसको देख भी नहीं सकती और अगर वो अपनी उसम की तजली करे तो कोई चीज उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती लेकिन रसूल सल्हस ने हमें खबर दी है कि बेशक अल्लाह खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है तो आप पर ईमान लाते हुए आपकी बात पर ईमान लाते हुए हमें इस पर पूरा यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह सुबहान तब से ज्यादा खूबसूरत है फिर ये कि उसके नाम जितने भी नाम अब तक हमने पड़े हैं एक एक नाम के अंदर उनकी खूबी है कोई भी नाम ऐसा नहीं कि जो सिर्फ कोई लफ्स और उसका कोई माना ना हो या उसके अंदर कोई उसकी ना छुपी हुई हो एक एक मानने के अंदर चीजें पाई जाती हैं जो सारी ही अच्छी ही अच्छी है खूबसूरत है तो इसी तरह जब हम उसकी कायनात की तरफ देखते हैं दिन रात मुख्तलिफ चीजों को देखते हैं तो एक, -एक चीज पर गौर करने से उसका हुस्न हमारे सामने खुलता चला जाता है और ये सारी चीजें इस बात पर गवाह हैं कि बनाने वाला कितना खूबसूरत है और फिर कयामत के दिन जब अहले ईमान उसको देखेंगे तो उसकी खूबसूरती पर महूत हो जाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तमाम जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे तो उस वक्त अल्लाह तबारक तब व उनसे फरमाएंगे क्या तुम मजीद कुछ चाहते हो वो तो जन्नती अर्ज करेंगे अल्लाह क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया क्या तूने हमें आग से निजात नहीं दी इतनी बड़ी बड़ी नियमते और इनामत है तेरे अलैहि सल्लाम ने फरमाया फिर अल्लाह ताला उनके और अपने दरम्यान से पर्दा उठा देगा और जन्नती अल्लाह का कर दीदार करेंगे और उनको अपने अल्लाह रब अजब जल्ला के दीदार से ज्यादा कोई चीज महबूब ना होगी यानी असल हुसन और असल खूबसूरती उस इंसान की आंख देखेगी जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता अल्लाह सुबहान हमें उससे महरूम ना करे और फिर यह है कि अल्लाह सुबहान के जितने भी काम हैं वो सब भी खूबसूरत हैं इबन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ने अपनी जात को सिफात के पर्दे में रखा है और सिफात को अफ़ाल के पर्दे में यानी अगर अल्लाह की तफात को पहचान तो उसके कामों को देखो और अगर उसकी जात को पहचान तो उसकी सिफात को देखो हकीकत यह है कि जिसने ये सारी दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई उसकी सिफात भी खूबसूरत और ज़ात भी खूबसूरत है सबसे पहले तो हम अपने वजूद पर गौर करें कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस कदर हुसन बख्श है तमाम जानदारों में मुमताज बनाया है इंसान इंसान तक़वीम कि हमने को सबसे बेहतरीन हालत पर पैदा किया है कितना मुतनासिब बनाया उसका रंग शक्ल उसकी स्किन उसकी आंखें उसके कान जबान फिर बोलने की कुत जो अता थी फिर आवाज जिस तरह दी ये सारी चीजें इंसान के हसन में इजाफा करती हैं फिर फरमाया और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरत बनाई और तुम्हारी सूरतें अच्छी बनाई खूबसूरत बनाई और इंसानों में से सबसे खूबसूरत इंसान मोहम्मद को बनाया कि जिनकी शक्ल सूरत के अलावा जिनकी सिफात भी इंतहाई खूबसूरत थी साहेब जमाल कमाल और आपके अखलाक भी नहाय खूबसूरत थे जिनके गवाही खुद कुर ने दी के नाजीम कि, कि किसी इंसान का हुसन सिर्फ उसकी शक्ल सूरत से ही नहीं होता उसके अखलाक और किरदार से भी होता है जिस पर आपके मुकाबले में कोई और बाजी ना ले जा सका फिर इसी तरह आपकी सीरत वो भी बहुत खूबसूरत अबूब कहते हैं कि मैंने बराबन आज़म से सुना आपने बयान किया कि रसोल्ला सल्हम जमाल में भी लोगों में सबसे बेहतर थे जस्मानी साख में भी सबसे बेहतर थे आपका कद ना बहुत लंबा था और न छोटा बल्कि दरमियाना था हजरत अनस कहते हैं कि रसुलल्ला वसम तमाम लोगों में सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक के मालिक थे अबू हरारा कहते हैं कि आप इस कदर चमकदार रंग वाले थे गोया के चांदी से आपको जिसम ढाला गया हो इतने खूबसूरत अनस कहते हैं मैंने कभी कोई अंबर कस्तूरी कोई ऐसी चीज नहीं सूँगी जिसकी खुशबू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से ज्यादा उमदा और पाकिजा हो मैंने कभी कोई रेशम या हरीर ऐसा नहीं छुआ जिसका लम्स अलैहि वसल्लम से ज्यादा नर्म और मुलायम हो फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने बाकी अन बिया को भी हसीन बनाया जिनमें खास तौर पर हज़रत अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है जिनके अःन को देख कर वो औरतें जिनको दावत पर बुलाया गया था उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे यानी बिल्कुल दम बखुद हो गई थी फिर इसी तरह हजरत अनस कहते हैं कि अलैहि वसल्लम ने फरमायाफ्सम को निसफ़ हुस्न अता किया गया यानी हुसन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अता किया गया

तो क्या अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा हमने उसे कैसे बनाया और कैसे सजाया और इसमें कोई शिगाफ नहीं कोई सुराख नहीं कोई रखना नहीं उस छत में किसी किस्म की कोई बदनवा चीज नहीं और जमीन हमने उसे फैलाया और उसमें गड़े हुए पहाड़ रखे और उसमें खूबी वाली हर किस्म की चीज उगाई हर उस बंदे को दिखाने और याद दिलाने के लिए जो रुजू करने वाला है और हमने आसमान से एक बहुत बाबरकत पानी उतारा यानी बारिश का अपना एक हुसन है फिर तो हमने उससे बागात और काटी जाने वाली खेती और दाने उगाए और खजूरों के दरख्त लंबे, लंबे जिनके अंदर तय बै खोशे हैं यानी हर दरख्त और फसल का अपना एक हुसन है और ये तमाम चीजें जब बाज़त एक बाग में या एक जगह पर भी होती हैं तो कोई तबील है और कोई फैली हुई है और किसी के साथ फल लटक रहे हैं तो उनका अजब भी मंजर होता है और उनका हुसन काबिल होता है कि उनको देख इंसान अल्लाह को याद किए बगैर रह नहीं सकता اقول لك قبل بعثمان كي خبص هونيكا ورسكي الذي خلق سبع السماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمسابيح वो ज अल्लाह रुजू मल वह आत वो जिसने सात आसमान ऊपर नीचे पैदा किए रहमान के पैदा किए हुए में तुम कोई कमी बेश नहीं देखोगे कोई नक्श निकाल सकोगे बस निगाह को लौटाओ क्या तुम्हे कोई खटी पटी जगह नजर आती है किसी भी किस्म का कोई कटाओ कोई रखना फिर बार बार निगाह डालो तुम्हारी नजर नाकाम होकर वापस पलट आएगी और थकी हुई होगी लेकिन तुम कोई ऐब नहीं निकाल सकते कुछ नहीं ढूंढ सकते बिलाशुबा यकीन हमने करीब के आसमान को चरागों के साथ जीनत बख्शी सितारों को चराग बनाया और हमने उन्हें शैतानों को मार बगराने के आले बनाया और हमने उनके लिए भड़कती हुई आग और अजाब तैयार कर रखा है यानी एक ही चीज से कई फायदे भी हासिल किए जा रहे हैं और बिलाशुबा जो शख्स आसमान की तरफ रात को नजर डालता है और वसी आसमान पर जब फजा में किसी किस्म की आलूदगी ना हो बिखरे हुए सितारों को देखता है उसकी हैरत से दंग रह जाता है और फिर अगर उसके दिल में थोड़ा सा भी एहसास हो कि इसका बनाने वाला अल्लाह है तो उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता क्योंकि किसी भी बनाने वाले का आर्ट जब इंसान देखता है तो बनाने वाले का जिक्र जरूर करते हैं कि किसकी पेंटिंग किसका आर्ट है तो अल्लाह सुबहान की तखलीक को देख कर फिर इंसान क्यों भूल जाता है कि ये उसी का सब कुछ बनाया हुआ है फिर इसी तरह अल्लाह सुबहान आसमान की बुरूज का जिक्र किया फिर फिर तो है नाजरीन इनको भी देखने वालों के लिए हमने खूबसूरत बनाया फिर जमीन पर खूबसूरत जानवर फैला दिए वो लकम ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصبحون. The زمین پَرْ خوبصورت جَانْوَرٍ بچا The پھر اس نے زمین پر خوبصورت جانور پھیلا دیے خَلَقَهَا لَكُمْ لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه لم تكونوا بالغيه إلا بشرق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها لتركبوها وزينة और बहुत से, फायदे हैं। और से तुम खाते हो और तुम्हारे लिए उनमें एक जमाल है जब तुम शाम को चरा कर लाते हो यानी जब ढलते जानवरों के वापस आने का मंजर देखते हो कि किस तरह वो एक दूसरे के साथ मिलजुल इकट्ठे अपने घर को लौट रहे होते हैं तो किस किसके मंजर पेश कर रहे होते हैं और जब सुबह को तुम चराने ले जा रहे थे भूखे जब अपने घरों से निकलते हैं और वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते तो उस दौड़ में भी एक बहुत जबरदस्त हुसन पाया जाता है और वो तुम्हारे बोझ इस शहर तक उठा कर ले जाते हैं जिसमें तुम कभी पहुंचने वाले न थे और वो तुम्हारे बोझ उस शहर तक उठा कर ले जाते हैं जिसमें तुम कभी पहुंचने वाले न थे मगर जानो की मशक्कत के साथ बेशक तुम्हारा रब हकीकत में यकीन बहुत नरमी करने वाला नहाय रहम फरमाने वाला है और घोड़े और खच्चर और गधे ताकि तुम उन पर सवार हो और जीनत के लिए और वो पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते यानी आइंदा भी तरह तरह की सवारियां पैदा होंगी जो तुम्हारे इल्म में नहीं और यहाँ पर आप देखिए कि घोड़ों और खच्चरों के हुसन का भी जिक्र किया गया खूबसूरत बाग और दरख्त फरमायादिल क्या वो शरीक बेहतर है या वो जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा फिर हमने उसके साथ रौनक वाले बागात लगाए अल्लाह ताला खुद उनके हुस्न का जिक्र करते हैं तुम्हारे बस में न था कि इनके दरख्त लगाते क्या अल्लाह के साथ कोई और मबूद है यानी जिसने ये सब कुछ किया हो बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो राहराज से हट रहे हैं यानी सब कुछ पैदा करने वाला और हर चीज को खूबसूरत बनाने वाला तो अल्लाह है लेकिन ये उसको भूलकर अल्लाह की क्रिएशन को अपना खुदा बना रहे हैं फिर जबरी को हुसन फरिश्तों को भी हसीन बनाया उसने अब्दुल्ला रजी कहते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लाम ने सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा उनके छे सौ पर थे और हर पर ने उफक को घेर रखा था उनके परों से इतने फूल मोती और याकूद झड़ रहे थे जिनकी मकदार अल्लाह ही जानता है आप सोचिए कितना कि खूबसूरत लिबास है जबरीलम का जिसका कोई इंसान تصور नहीं कर सकता फिर इसी तरह सिदرتुल मुंतहा का खूबसूरत मंजर है कि वहां सोने के पतंगे थे अब्दुल्ला रजी अल्लाहू अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए सैर कराई गई तो आप सिदرتुल मुंतहा तक ले जाया गया जो कि छठे आसमान में वाक़ते है जमीन से ऊपर चढ़ने वाली चीज और ऊपर से नीचे आने वाली चीज यहां आकर रुक जाती है फिर

और फिर यह मुंतहा का हुसन बयान से बाहर है एक दूसरी रिवायत में आता है कि जबरी फिर मुझे की तरफ ले गए इसके पत्ते हाथी के कान की तरह बड़े बड़े थे और उसके फल बेर जैसे और बड़े घड़े के बराबर थे आपने फरमाया जब उस दरख्त को अल्लाह के हुक्म से ढांका गया तो उसका हाल ऐसा पोशीदा हो गया कि अल्लाह की मखलूक में से किसी के लिए यह मुमकिन नहीं कि उसके हुसन को बयान कर सके यानी वो इतना खूबसूरत दरफ्त है कि कोई उसका हुसन बयान नहीं कर सकता डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो कई रंगों से ढांपा हुआ है एक और रवायत में आता है फिर जिबनी मुझे लेकर सिद्रतुल सिदरतुलमतहा तक पहुंचे उससे कई रंग ढांप रहे थे बेअक वक़्त मैं नहीं जानता वो क्या थे यानी आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सके फिर मुझे जन्नत में ले गए वहां क्या देखता हूं कि उसके गुंबद तो मोतियों के हैं और उसकी मट्टी कस्तूरी की है और फिर अल्लाह सुबहान ने अपने बंदों के लिए कैसी कैसी नियमतें छुपा कर रखी हुई एक सरप्राइज है उनके लिए फलाम मिनकर अमलून अमन कान कम कान फास बिमा कानु कोई नहीं जानता कि उनके लिए आंखों की ठंडक में से क्या कुछ छुपा कर रखा गया है यानी अल्लाह सुबहान तला ने उनके लिए क्या कुछ वहां रखा है तैयार उस अमल की जजा के लिए जो वो किया करते थे क्या वो शख्स जो मोमिन हो वो उसकी तरह हो सकता है जो नाफरमान हो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते लेकिन जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक अमाल किए तो उनके रहने के लिए बागात है मेहमानी है उसके बदले में जो वो किया करते थे नहीं उनके अमाल की वजह से उनको ये नेमतें मिलेंगी फिर इसी तरह जन्नत का हुसन खासतौर पर काबिल जिक्र है नबी अलैहि वसल्लम ने जल्ला क़यामत के दिन जन्नत को बुलाएगा वो जीनत सजावट नुमाइश और आरइश के साथ आएगी नहीं खूब सजी बनी सोने चांदी मोती या याकूत से बनी हुई इबनी उमर कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जन्नत किस चीज से बनी है आपने फरमाया एक ईट सोने की एक ईंट चांदी की उसका सिमेंट कस्तूरी का है उसकी मट्टी जाफरान की है उसके संग्रेजे मोती और याकूत के हैं हर तरफ हुसन ही हुसन जमाल ही जमाल في وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا और उनके सब्र के बदले उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता करेगा वो जन्नत में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे वहां ना धूप की हिद्दत देखेंगे ना सर्दी की शिद्दत जन्नत के दरख्तों के से से चाहे फल ले लें और उन पर चांदी के बर्तन और शीशे के सागर फिराए जाएंगे शीशे भी ऐसे जो चांदी से बने होंगे और उन्हें एक खास तरकीब से बनाया गया होगा यानी हर चीज के अंदर ऐसी ब्यूटी होगी ऐसा तनासब होगा ऐसी जबरदस्त चॉइस होगी कि इंसान हैरान हो उठेगा कि जन्नत में तो एक कोड़ा रखने की जगह भी पूरी दुनिया से ज्यादा हसीन है तो अगर कोई शख्स पूरी दुनिया भी इकट्ठा कर ले तो वो जन्नत के कोड़े जितनी जगह भी नहीं सजा सकता अपनी दुनिया की फिर इसी तरह जन्नतियों के लिबास और जेवरात और मशरूबात ये सब भी काबिल जिक्र हैं ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم بلدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس، ثياب سندس خُضْرٍ وإستبرق وحلوا وَأَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هذا كان لكم جَزَاءً إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا और उसमें उन्हें ऐसा जाम पिलाया जाएगा जिसमें सोट मिली होगी जन्नत में एक चश्मा होगा जिसे सलसबील कहा जाता है और उनके इर्द गिर्द लड़के घूम रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे जब तू तो उन्हें देखेगा तो उन्हें बिखरे हुए मोती गुमान करेगा यानी अहले जन्नत के सरम से है बूढ़े नहीं होंगे और जिधर भी तुम देखो तो नमतें ही नेमते। और एक बहुत बड़ी सल्तनत देखोगे उनके ऊपर बारीक रेशम के सास कपड़े और गाढ़ा रेशम होगा और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उन्हें नहाय पाकिजा शराब पिलाएगा और फरमाएगा यह है तुम्हारी जजा और तुम्हारी कोशिश की कदर की गई है काबिल कदर ठहरी है तुम्हारी मेहनत फिर इसी तरह जन्नत के बाहुल का हुसन बयान किया गया सूरत पर रहमान में वीमन खाफ मकाम और जन्नतान फबियय आलाबी कुमा तुकबान जबाता अफनान फबी अयलाबिकुमा तुकबान فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الترف لم يطمثهن إنس قبلهم फलाकर दीबानन्न लिया और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता रहा उसके लिए दो बाग होंगे पसतुम तो अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे वो दोनों बाघ लंबी लंबी और बड़ी बड़ी शाखों वाले होंगे पश्चुम तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे उन दोनों में दो चश्मे जारी होंगे पसतुम तो अपने परवर की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे उन दोनों में हर फल की दो कस्में होंगी पश्चुम अपने परवर की किन नियमतों को जुटलाओगे जन्नति लोग ऐसे बिछौनों पर तरकी लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे और उन दोनों बागों के पक्के हुए फल लटक रहे होंगे तुम अपने परवरदिगार की किन किन की नेमतों को जुटलाओगे उन बागों में निगाह नीची रखने वाली औरतें होंगी जिन्हें इससे पहले किसी इंसान या ने छुआ तक न होगा तुम अपने परवरदिगार की किन किन की नेमतों को बस तुम अपने परवरदिगार की किन की किन की नेमतों को जुटलाओगे वो ऐसे होंगे जैसे हीरे और मरजान तो हकीकत यह है कि जन्नत का हुसन सिर्फ़ बयान किया गया है किसी आंख ने देखा नहीं किसी कान ने सुना नहीं और कोई दिल उसके बारे में सोच भी नहीं सकता गुमान भी नहीं कर सकता किसी के दिल में खयाल भी नहीं गुजर सकता वो ऐसा हुसन है जो अलजमील ने इंसानों की हिस्से जमाल की तस्कीन के लिए उनके आराम के लिए पैदा किया है उसको हासिल करने के लिए जरूरी है कि इंसान अल्लाह को पहचाने उसके हक को पहचाने और उसे अदा करने में अपनी जिंदगी लगा दे और उसके लिए करने का पहला काम यह है कि इंसान अपने जाहिर के साथ साथ अपने बातिन को खूबसूरत बनाए अपने अंदर को खूबसूरत बनाए अपने अंदर से हर किस्म की नफरतें और पहल कुल निकाल दे हर तरह का शक शिरक निपाक और कोई भी चीज जो अल्लाह तला को पसंद नहीं वो अपने दिल को उससे बिल्कुल साफ कर ले कईम कहते हैं कि अल्लाह ताला तस्न जमाल को पसंद करता है इसलिए उसने अपने बंदों पर लिबास और जीनत को उतारा जो उनके जाहिर जिस्म को बख्शता है और तकवा जो उनके बातिन को जीनत बख्शता है तो इसलिए हमें अपने अंदर तकवा पैदा करने की जरूरत है ताकि हमारा अंदर उसमें सबसे ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत हो अल्लाह का डर हो और अल्लाह ही की तरफ हमारा ध्यान हो और उसके साथ साथ इंसान अपने जाहरी जिसम को भी लिबास से ढांके से परहेज करे फरमाया आदम की औलाद बेशक हमने तुम पर लिबास उतारा यानी लिबास अल्लाह ने उतारा और पहनने के लिए उतारा जो तुम्हारे काबिल शर्म इस कुछ पाता है और जीनत भी है खूबसूरती का जरिया भी है और तकवा का लिबास सबसे बेहतर है और तकवा अंदर का लिबास है ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि वो नसीहत हासिल करें तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान अपने आप को तकवा से मुजयन करे खूबसूरत बनाए फिर इसी तरह अच्छे लिबास के साथ इंसान अपने आदात और अखलाक को भी अच्छा करे अपने अंदर नरमी पैदा करे नरमी जिस चीज में दाखिल हो जाए वो उसे खूबसूरत बना देती है और जिस चीज़ से छीन ली जाए तो उसको ऐबदार बना देती है फिर इंसान अपने आप को हया से मुजय करे हजरत अनस कहते हैं रसूल सलाह वम ने फरमाया जिस चीज़ में बेहयाई पाई जाती हो वो उसे ऐबदार कर देती है और जिस चीज़ में भी हया पाई जाती हो वो उसे जीनत बख्शती है अच्छे अखलाक से अपने आप को खूबसूरत बनाना जरूरी है और ये अखलाक और भी। अब्दुल्ला अमर कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हम से पूछा गया के रसूल लोगों में सबसे अफसर कौन है सबसे अच्छा कौन है आपने फरमाया साफ दिल वाला और जबान का सच्चा लोगों ने कहा साफ जबान के सच्चे का तो हम पहचानते हैं लेकिन साफ दिल कौन है आपने फरमाया परहेजगार पाक साफ जिसके दिल में ना गुनाह हो ना बगावत हो ना खयानत हो ना हसद हो गा गुना हो यानी शिरक वगैरह का ना बगावत हो सरकैी न हो अल्लाह ती हो ना खयानत हो और ना ही किसी से जालस हो इंसान फिर इसी तरह इंसान की खूबसूरती के का एक हिस्सा ये है कि इंसान अपनी आवाज से कुरआन को मुजयन करे यानी कुरान मजीद को अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करे इब्ने आजब कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी आवाज़ों के जरिए कुरआन को जीनत बख्शो यानी कुरआन तो बहुत खूबसूरत है लेकिन जिस खूबसूरती से पढ़ोगे उतना ही वो ज्यादा खूबसूरत महसूस होगा तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया अल्लाह ताला ने कोई चीज इतनी तवज्जो से नहीं सुनी जितनी तवज्जो से अपने नबी को बेहतरीन आवाज से कुरान पढ़ते सुना है यानी अल्लाह ताला को आवाज़ों में सबसे महबूब आवाज अपने नबी की वो आवाज है जिससे वो कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं रसूल सल्लाम ने फरमाया जो कुरआन को खुशहानी से ना पढ़े वो हमें से नहीं लिहाजा सबसे ज्यादा कुरआन इस चीज़ का हकदार है कि इंसान अपनी आवाज से उसको खूबसूरत तरीके से पढ़े तो किसी ने सवाल किया कि अगर किसी की आवाज़ ही अच्छी ना हो तो वो क्या करे तो जवाब दिया गया कि जहां तक हो सके उसे अच्छा बनाने की कोशिश करे फिर अपने घरों को भी कुरान से मुजय करें यानी घरों को सिर्फ अच्छे खूबसूरत डेकोरेशन पीसीस से नहीं बल्कि कुरान की आवाज़ों से खूबसूरत बनाए नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है वो आसमान वालों को ऐसे नजर आता है जिससे जिस जमीन वालों को सितारे नजर आते हैं यानी उस घर के क्या कहने कि उसका चर्चा और तस्करा आसमानों पर भी है और आप देखिए कि आसमान के सितारों में कोई ज्यादा रोशन होता है कोई कम रोशन होता है तो इसी तरह जमीन के घरों में भी किसी घर में कुरान की तिलावत ज्यादा होती है और किसी में कम होती है तो जिसको जितना ज्यादा चमकदार घर चाहिए उसको उतना ज्यादा घर में कुरान पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए फिर इसके साथ साथ ये है कि इंसान खूबसूरती को भी इख्तियार ले, हद के अंदर रहते हुए क्योंकि अः खूबसूरती के बारे में जब नबी सलम ने फरमाया कि जमील जमाल के अल्लाह तला खूबसूरत खुँछूर्त खूबसूरती को पसंद करता है तो लोगों ने कहा कि यार सोलोल इंसान का दिल चाहता है उसका लिबास अच्छा हो उसका जूता अच्छा हो तो क्या ये तकबर में आएगा तो आपने फरमाया नहीं तकबर तो ये कि है कि इंसान हक बात को कबूल ना करे और लोगों को हकीर समझे यानी इंसान अपने आप को सजाए अच्छे कपड़े पहने अच्छा लिबास जो भी अल्लाह ताला ने उसको दिया है मैला कुचला ना रहे लेकिन लोगों को हकीर ना समझे अगर अच्छे कपड़े पहन ले तो दूसरों के कपड़े अगर उससे कम दर्जे के हों तो उनको इम्पोर्टेंस दे हम इंसान को सिर्फ उसके लिबास हाल हुल की वजह से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं हालांकि हो सकता है ना हो उसके पास आपके लिए खैर का खजाना हो फिर इसी तरह यह है कि इंसान अपने इबादत के वक्त खसूस तौर पर जीनत का एहतमाम करे साफ सुथरा हो वजू करे अच्छी तरह लिबास पहने और بشكل صحيح من الله تعالى الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد واكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة कदालिक ए आदम की औलाद हर नमाज के वक्त अपनी जीनत ले लो यानी अपना अच्छा लिबास पहनो और खाओ पियो और हद से ना बढ़ो बेशक हद से गुजरने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं रखता कहो किसने हराम की अल्लाह की जीनत जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की और खाने पीने की पाकिजा चीजें वो किसने हराम की कह दीजिए ये चीजें उन लोगों के लिए जो ईमान लाए दुनिया की जिंदगी में भी है जबकि के दिन तो खालिस्तन उन्हीं के लिए, तो लिए होगी इस तरह हम आयात को उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करते हैं जो जानते हैं यानी जिनको मालूम है कि अल्लाह ताला हमसे क्या तकाजा करता है तो इससे पता ही चलता है कि इंसान को अपने खाने पीने लिबास और अपने जाहरी रख रखाव में जीनत का एहतमाम करना चाहिए और साथ साथ इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल इब्तदा में जो वही दी गई जो तालीमात दी गई उनमें से एक ये भी था फतहर क्या आप अपने कपड़ों को पाक रखिए तो गोया जीनत सिर्फ कपड़ों को अपने जाहिर को सिर्फ ब्यूटीफाई करना नहीं है बल्कि पाक साफ रहना भी है और खसूस नमाज के वक्त क्योंकि आ, ऐसे लिबास में नमाज नहीं होती ऐसी जगह पर नहीं होती जो नापाक हो और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में तो भी हम देखते हैं कि आप अच्छा लिबास भी पहनते थे बराब नाजिब कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख धारी दार चादर में देखा मैंने आपसे ज्यादा हसीन कोई चीज़ कभी नहीं देखी यानी तमाम इंसानों में से तमाम चीजों में से आप ज्यादा खूबसूरत थे है अब कहते हैं अपने वाले से रिवायत करते हैं वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा मैंने चीथड़े यानी बोसीदा सा लिबास पहना हुआ था पुराना सा तो आपने फरमाया क्या तुम्हारे पास माल है मैंने कहा जी हाँ आपने फरमाया किस किस्म का माल मैंने कहा अल्लाह अज्जा वह का दिया हुआ सब कुछ ऊंट है बकरियां हैं आपने फरमाया तुम पर अल्लाह की नेमत और तकरीम नजर आनी चाहिए यानी अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो वो तुम्हारे जिस्म पर नजर आना चाहिए इबन मसूद कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मेरे कपड़े धुले हुए हों मेरे सर में तेल लगा हुआ हो मेरे जूतों का तस्मा नया हो उसने कुछ और चीजें भी जिक्र की हती कि अपने कोड़े की रस्सी का भी जिक्र किया कहा यारसूल्ला क्या ये बात तकबर में शामिल होगी कि मुझे हर चीज में अच्छी चीज इख्तियार करना पसंद है आपने फरमाया नहीं ये तो खूबसूरती है बेशक अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है तकबर तो यह है कि इंसान हक बात कबूल ना करे और लोगों को हकीर समझने लगे फिर इसी तरह इंसान को अपने बालों को भी खूबसूरत बनाना चाहिए बिखरे हुए नहीं होने चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जिसके सर और दाढ़ी के बाल पुरा ग थे आपने अपने हाथ से उसे निकल जाने का इशारा किया कहा चले जाओ यहां से मतलब ये था कि जाके बाल ठीक करके आओ उसने बालों को दुरुस्त किया फिर वापस आया तो आपने फरमाया क्या ये इससे बेहतर नहीं, नहीं ये वाला हाल जो इस वक्त है तुम्हारा कि तुम में से कोई इस हाल में आए कि उसके बाल बिखरे हुए शैतान है यानी उसका हाल बुलिया खराब हो तो ये कोई दीन नहीं तकवा नहीं तकवा यह है कि इंसान अल्लाह तला के अहकाम की पाबंदी करे और उन पाव... उसी पाबंदी में एक चीज यह है कि इंसान साफ सुथरा हो और सुलझा व लिबास और खूबसूरत रख रखा हो उसका फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को देखा जो गर्द गुबार से अटा हुआ था मट्टी से भरा हुआ उसके बाल बिखरे हुए थे आपने फरमाया क्या इसे इतना भी मयसर नहीं जिससे ये अपने बालों को शास्ता बना ले उनको सेट कर ले तो बाल सवार कर रखना भी दीन का एक हिस्सा है हजरत हजरतनस कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने बालों पर तेल लगाते पानी लगाकर अपनी दाढ़ी में कंगी करते ताकि वो बाल इधर उधर अगर उड़े हुए हों तो वो भी जम जाए बैठ जाए फिर इसी तरह यह है कि बाज लोगों की जमाल में तो इतनी ज्यादा आरइश नहीं होती यानी बाहिर उनके नक्शो नगार या उनका लिबास उनकी माली हैसियत की वजह से इतना खूबसूरत नहीं होता लेकिन अल्लाह ताला उन्हें कुछ और खूबीयत से नवाजता है और वो उनके हुसन में इजाफा कर देती हैं जिस तरह इंसान बाजोकतना में दूसरों पर फोकियत ले जाता है ज्यादा मालदार होता है तो ये चीज़ उसको हुसन बख्श रही होती है अः बाज़ लोगों के पास इल्म ज्यादा होता है वो उसके लिए जमाल का जरिया बन जाता है बाज लोग दूसरों के लिए बहुत आर्टेड होते हैं बाहर मामूली शक्ल सूरत के होते हैं लेकिन बहुत मोहब्बत करने वाले बहुत अच्छे अखलाक वाले तो ये चीज़ उनको खूबसूरती देती है तो बहरहाल ज़रूरत इस चीज़ की है कि इंसान अल्लाह सुबहान जमाल को देन में रखते हुए उसके जमाल को अप्रिशिएट भी करे और अपनी जिंदगी में भी साफ सुथरा रहने की कोशिश करे और जो नेमत अल्लाह ताला ने दी है जो इंसान के लिए बायस जीनत है उन नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता रहे और फिर इंसान अल्लाह ताला के इस नाम के साथ अल्लाह को याद करते हुए दुआ भी करे इंसान खूबसूरती के लिए भी दुआ कर सकता है हर चीज के अच्छा हो जाने के लिए उसने कोई चीज बनाए क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज में एहसान को पसंद करता है खूबसूरती को पसंद करता है उसको इतफान के साथ यानी बहुत अच्छे तरीके से मजबूत तरीके से करने को पसंद करता है तो इंसान को कोशिश भी करनी चाहिए और उसके साथ साथ दुआ भी करनी चाहिए और फिर दूसरे को जमाल की दुआ भी देनी चाहिए अब उजैद से मर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आओ फिर मेरे सर और दाढ़ी पर अपना दस्ते मुबारक फेर कर ये दुआ की अल्लाह मजिल हो व अधम जमाला हो अ से जमाल अता कर और इसके हुसन को दवा मता तो इंसान दूसरे के लिए और अपने लिए भी अगर उसको ये परेशानी रहती कि वो ज्यादा खूबसूरत नहीं तो खूबसूरती की दुआ कर सकता है रावी कहते हैं कि अब की उम्र सौ साल से भी ऊपर हुई लेकिन उनके सर और दाढ़ी के सिर्फ चंद बाल सफेद थे आखिर दम तक वो हमेशा मुस्कुराते रहे कभी उनके चेहरे पर शिकने नहीं देखी गई और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था इसी तरह आप उस कहते हैं कि एक मरतबा नबी स्वल्लाग स्वल्लाग पानी तलब किया मैं एक प्याले में पानी लेकर हाजिर हुआ और उसमें एक बाल था जिसे मैंने निकाल लिया नबी स्वल्लाग अले स्वल्लाग अले स्वल्लाग ने फरमाया खूबसूरती अताकर इसे, इसे भी पता चलता है कि नबी सौ की मुनासिबत से दुआएं भी दिया करते थे अपने साथियों को फिर इसी तरह अखलाक की खूबसूरती के लिए भी खासतौर पर दुआ करनी चाहिए

रे सिवा कोई अच् अखलाक की हिदायत नहीं दे सकता और बुरे अखलाक मुझसे दूर फरमा तेरे सिवा मुझसे कोई बुरे अखलाक दूर करने वाला नहीं मैं हाजिर हूँ और शादत हूँ सारी बहलाइया तेरे हाथ में हैं. शर की नस्बत तेरी तरफ नहीं।, नहीं तेरा कोई काम उसमें शर नहीं मेरी तौफीक तेरी तरफ से है मेरा रुख तेरी ही तरफ है तू बरकत वाला है तू बुलंद है मैं तुझसे मफरत चाहता हूँ और मैं तेरी तरफ रुझू करता हूँ और फिर अच्छी सूरत के साथ साथ इंसान को अपनी अच्छी सीरत के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए अपने लिए ये किया करते थे अल्लाहसन तखल की अहसन खुल अल्लाह तूने मेरी सूरत बहुत अच्छी बनाई है तो मेरी सीरत भी बहुत अच्छी बना दे क्योंकि इंसान का असल हुसन उसके अखलाक और किरदार में है उसकी आदत में है उसके अच्छे मामलात में है अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को बेहतरीन अखलाक और बेहतरीन जमालता फरमाए और हमें अपना महबूब बना ले और अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल ले आखिर रबी सुफान का اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته القاهر يا الله انت الحسيب يا الله انت الشافي يا الله انت المبين يا الله أنت الوكيل يا الله أنت القيوم يا الله أنت المتين يا الله أنت الصبوح يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم سب अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैरियत से हैं कि आपके टेक्स्ट मैसेज तो नहीं बंद हुआ हुआ <laughs> क्योंकि मुझे किसी का टेक्स्ट मैसेज नहीं नजर आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इसका मतलब है कि बस इतनी शुक्रगुजारी थी <laughs> कि बस हमने सुन लिया और अब चले गए कोई भी रूम में नहीं है सिस्टर आयशा माशाल्लाह बारकल्ला की आपका जवाब देने का क्योंकि देखिए शुक्रगुजारी का भी हमने सुना ना तो इस क्लास की शुक्रगुजारी क्या होगी क्या शुक्रगुजारी होगी कि हम इसको सही तवज्जो देना सिर्फ सिस्टर आयशा है या कोई और भी है वन टाइप कर दीजिए कौन कौन मौजूद है सिर्फ वन टाइप कर दें जिसको तो लगता है कि वाकई यहाँ पर रुकने का कोई फायदा होगा ये तो सारी यकीन की बात है ना वरना आप देखें कि जितनी बातें आज हमने सुनी हैं अल्लाह सुबहान्ल तला के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सफर जो है ना यकीन का है और गैब पर इल्म का है अगर ये सारा कुछ खुल जाता तो सारा इम्तहान ही खत्म हो जाता न अगर ये दुनिया दुनियावी तौर पर होता कि हमने नोट्स ले लिए हम पास हो गए हमारे एग्जाम अच्छा हो गया हमें सारे जुबानी हदी से याद हो गई और अगर ये सारा कुछ होता तो फिर तो कुछ मुश्किल नहीं था फिर तो दुनिया की तरह का ही था ना लेकिन इसके पीछे मकसद कुछ और है ये जो हमारी आदात है ना ये जो हम किसी चीज की भी कमिटमेंट करते हैं और फिर उसके ऊपर जमा के अपने आप को रखते हैं आज सबर के बारे में सुनी कुछ बातें सबर पे क्या कुछ मिलने वाला है आप सब ने के बारे में जो खुश थी उनको नोट किया पता है यस लिखने में या वन लिखने में ना ज्यादा देर नहीं लगेगी लेकिन थोड़ी सी क्या होगा कि इससे जी आ, कितनी ज्यादा हमें सब्बर करने पे जो अजहर मिलने वाला है ना तो वो हम समझते हैं कि वो शायद फिर सब्बर होगा कि पता नहीं फला जगह पे जाऊंगी फला काम करूंगी तो फिर सब्र होगा कभी हमने सोचा कि अपने आप को इबादत पर जमा के रखना अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना है ना ऐसा

कि किसी भी अमल का दारोमदार जो होता है ना उसके खात्मे पे होता है कि हमने किसी चीज का एंड कैसे किया तो अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत आसानियां करे अलहमीद का मतलब क्या था बेहद तारीफ किया गया और फिर जितनी चीजें आपने सुबह अल्लाह इसमें सुनी आप सोचें कि आपको लगा नहीं कि अल्लाह की ज़ात के बारे में आज आपको बहुत सी ऐसी चीजें पता चली जो पहले आपको नहीं पता थी ऐसा हुआ क्या ख्याल है आपका हुआ ना आपको कितनी बातें थी अब अल्लाह सुबहाना तला की तारीफ दुनिया और आखरत में अल्लाह सुबहाना तारीफ इसलिए भी कि उसने हिदायत के इसबाब और खास तौर पर हमें जो पुराने पाक दिया अब आप देखें कि जितनी आज अः सिस्टर रईसा पूछ रही थी कि ये सारी दुआएं कहाँ से मिलेंगी ना क्योंकि जब आप बार बार सुन रहे थे कि सुन्नत वाली जो दुआएं हैं उनके अजर उनके रिवॉर्ड बाजार में जाने वाली दुआ बताइए कैसा लग रहा था और आपने सुना कि जो बाजार में जाने वाली दुआ उसका क्या रिवॉर्ड है आ, सौ में था या लाख में कुछ था किसको याद रह गया हम्म पे तो फिर आप मुझे बताइए कि हम में से कौन है जो अपनी जरूरत के लिए नहीं जाता बाजार ना तो सुभान अल्लाह कितना मिस कर कर देते ना हम अगर हम ये बातें ना सुनते और खास तौर पे आप देखिए कुरान पाक की जो बात हो रही है कि इसमें अल्लाह ताला की इस नेमत पर जो है और उसके अंदर फिर जो जो खजाने हैं मतलब अल्लाह अल्लाह की एक रहमत की लेयर को खोल लेना तो अंदर और लेयर्स नजर आती हैं और मैं सोच रही थी कि जितनी माशा उस्ताजा ने हमें दुआएं बताई हैं सुन्नत में से और जितनी हमें कुरान की आयतें बताई हैं अल्लाह के इस नाम के साथ कनेक्ट करके तो आप बताइए हमारे लिए पॉसिबल था कि हम अकेले बैठ के रिसर्च करते जब अल्लाह इतनी हमारे पे रहमत कर रहे हैं कि हमें ऐसे उस्ताद दे रहा है जो कि हमारे लिए कुरान पाक में से हदीस में से वो सारी चीजें इकट्ठी करके ला रहे हैं तो इसकी फिर कदर भी करनी चाहिए ना तो फिर हमें करने के काम किया कि अल्लाह की तमत दिन रात बयान करें अलहद लबीम अल्लाह सुबहाना तै का शुक्र गुजार बंदा बने निमतों का शुक्र अदा करें और उससे क्या दुआ करें कि अल्लाह ताली हमें भी तो ऐसे लोगों में शामिल कर दे जो हर आन सुबह शाम तेरी तारीफ करते और शुक्र गुजार है अब आप सोचें जी जब टेस्ट आ जाते हैं ना हर वक्त तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां करे और अलजमील जो है अल्लाह इसका क्या मतलब था जमाल वाला ना खूबसूरती भी जमाल भी उसमें अल्लाह की जो आपने इतनी ज्यादा सिफात और इतनी हदीस से सुना तो कैसा शौक पैदा हुआ मुलाकात का शौक़ होता है ना जब अल्लाह के बारे में मैं सोच रही थी कि हम कभी कभी सवाब के लिए कभी कभी गुनाह से बचने के लिए कभी कभी अपने कोई काम करवाने के लिए इबादत कर रहे होते हैं लेकिन जब अल्लाह के बारे में सोचते हैं तो एकदम से ऐसे हो जाते हैं ना कि अल्लाह है कौन अल्लाह सुबहाना तला जो है उनके जमाल सिर्फ वही जानता है और फिर दुनिया की आंख से हम नहीं अल्लाह को देख सकते और अल्लाह तला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें क्या बता दिया कि अल्लाह इन अल्लाह ज़मीलन युबुल ज़माल तो क्या मेरे लिए इसमें सबक है कि वो अगर खूबसूरती पसंद करते तो मेरे हर अमल में खूबसूरती होगी और फिर आप देखेंगे बड़ी खूबसूरत एक और दुआ मेरे सामने लिखी हुई है मेरी बड़ी महबूब हस्ती ने मुझे ये दुआ दी थी कि अल्लाह सवाल करती हूँ कि मुझे वो नजर की लज्जत अता कर जो तेरे चेहरे की तरफ देखने की ना और शौक तेरी मुलाकात का लेकिन इंसान होने के नाते जो हमें डर लगता है ना कि बगैर किसी तकलीफ के और बगैर किसी आजमाइश के यही डर लगता है ना कि जब मौत का बात पता चलती है तो यही डर लगता है कि हमारे अमाल पता नहीं कैसे है ना तो बड़ी खूबसूरत ये दुआ है और जो सिस्टर पूछ रही थी ना तो इनकी दुआ कीजिए ऐप भी मौजूद है आ, सोने जागने के जो अस्कार है उसकी भी ऐप मौजूद है तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए सुबहान अल्लाह ये हजाने हमारे पास ना इकट्ठे हो चुके हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि पहले वक्तों में लोग बहुत ट्रैवल करके ना ये इल्म हासिल करते थे फिर क्यामत के दिन अल्लाह सुबहान तला का दीदार करते हुए ईमान वाले महबूत हो जाएंगे रसुल्ला वसलम ने फरमाया हले जन्नत को अल्लाह तला का दीदार नसीब होगा जो इन्हें जन्नत की दीगर तमाम तो नियमतों से ज्यादा महबूब होगा तो आज हमें शैतान ने कितना ज्यादा गुम किया हुआ है ना कि ये देखो कितना खूबसूरत कपड़ों में जेवरा में मुख्तलिफ तरह की चीज़ों में हमें उझा के रखा हुआ है तो अमली हम अपने लिए क्या देखेंगे कि अल्लाह अल्लाह ताला के दीदार का हमें शौक रखना चाहिए उसके लिए दुआएं मांगनी चाहिए अल्लाह खूबसूरत है तो हमें भी अंदर बायस से अपनी खूबसूरती करनी है और फिर ये खास तौर पर ये जो दुआ है अच्छे अखलाक के लिए भी दुआएं मांगे क्योंकि ममन का हथियार है ना जो चीज़ भी हम अल्लाह से मांगेंगे तो वो बड़ी हया वाला है वो खाली हाथ नहीं लौटाता ना तो हमें क्या करना है कि अल्लाह दुआ है कि वो हमें बेहतरीन अखलाक और बेहतरीन जमालत अच्छा फरमाए और जन्नत में अपना दीदार की नियमत से नवाजे आमीन कसीरा और फिर आपको पता है कि वाखरुदाना रबीआलम सुबहाना रबी का रबीफून वसलम सीनदबीन आपका रब जो इज्जत का रब जो इज्जत का रब है हर उस चीज से पाक है जो वो बयान करती हैं और सलाम और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है अल्लाह ताला तब के लिए जो कुछ हमने सुना है ना अल्लाह इस पे हमें अमल करने के लिए सानिया कर दे जजाकैर कसीरा जिन सिस्टर्स ने साथ दिया और जिन्होंने सुना भी और जो हो सकता है अपनी मजबूरी के तहत ना सके हो अल्लाह सब पर अपना खास रहम करे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व व इलाहा इल्ला अंता أستغفرك واتوب لك. أواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء أعوذ بك من النار